कि हम दोनों में प्यार बना रहे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? और तुम्हें पैसों की जरूरत भी है। पैसों की जरूरत अभी आपको है। मैं काम से काम रखा करूँ। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या कर रहे हो? ऑफिस में सारा स्टाफ भी चला गया। हमें चलना चाहिए। तुम्हें हमेशा जल्दी रहती है जाने की। हाँ। कभी वक्त नहीं देते तुम मुझे। और अभी तुम्हारी बीवी का फोन बस आने ही वाला है। बीवी का फोन? उसे पूजा पाठ से फुर्सत मिले तब ना। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर डिनर पे चलते हैं। तुम्हारे साथ दारू पीने का मजा ही कुछ और है। चलो चलो। कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। ना मेरी बीवी में नमक है, ना उसके बनाए खाने में। क्या सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? चैन की नींद भी नहीं लेने देती। हमारी गृहस्थी के लिए तो कर रही हूँ, ताकि हम दोनों में प्यार बना रहे। सुनिए ना, आपकी माँ का गांव से कॉल आया था। पूछ रही थी कि शादी को 2 साल हो गए हैं, अब तक पोते का मुंह नहीं देखा। बच्चा चाहिए तुझे? हाँ, पहले अपनी आदतें सुधार। पति का ख्याल रखना जरूरी है, ऐसे नहीं हो जाते बच्चे। तुम्हारे इस दीपक और घंटी की आवाज से मरे हुए वापस नहीं आते। मैं तो फिर भी जिंदा हूं। बच्चा चाहिए ना। हटो यहां से। हाँ सर, वो डील हो जाएगी। मैं हूं ना सर। अरे मैं कब काम आऊंगा, देखते हैं। सर मैं आपको कुछ देर में कॉल करता हूं। ओके चलो। अरुण तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें पूरे ऑफिस में ढूंढ रही। पर क्यों? तुम्हें अभी सुभाष सर के यहाँ जाना है टीबी ग्रुप्स की फाइल लेने के लिए। एक्चुअली मैं उन्हें कल से फोन कर रही हूँ, पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और बॉस ना बहुत गुस्सा कर रहे हैं। आखिर मैं उन्हें कब तक टालूंगी? शायद सुभाष सर नाराज हो तुम पर, बात नहीं मानी होगी तुमने कोई। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना कह रही हूँ ना उतना करो। वैसे भी उनका घर तो तुम्हारे घर के पास में है ना, तो तुम्हारे लिए ये काम करना बहुत आसान होगा। एक काम करो, पियून को भेज दो। पियून ने भी उनका घर देखा है, मुझे वैसे भी बहुत सारे काम निपटाने। पियून तो बॉस के काम से बाहर गया है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुमने मुझे ऐसा वैसा समझा है क्या? मैं सुभाष सर की तरह नहीं हूँ, समझी?
तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतना गिर सकती हूँ? मैं बॉस से तुम्हारे प्रमोशन की बात करने की बात कर रही थी। सोच लो। I'm sorry. ठीक है, मैं उनके घर चला जाता हूँ, ठीक है? बस तुम प्रमोशन का भूलना मत, ओके? चल। अरे एक तो ये कैमरा ना कभी भी खराब हो जाता है। अरे एक मिनट, आ रही हूँ। नमस्ते, मैं कविता, तरुण की बड़ी बहन। भाई के घर कुछ दिन रहने आई हूँ। हो, तुम तरुण की बहन हो? जी, ये लीजिए आपके लिए। आओ ना, अंदर आओ। अरे खड़ी क्यों हो तुम, बैठो ना। तरुण ने कहा रवा भाभी से पहचान करवाता हूँ और भूल ही गया, तो मैं खुद ही चली आई। बहुत अच्छा किया। आपके घर से पूजा की घंटी की आवाज सुनी और धूनी की भीनी भीनी खुशबू से मन प्रसन्न हो गया और रहा नहीं गया तो मैं चली आई। अब तुम कचौरी खाओगी? तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, अरे आप हमारे नए मेहमान से मिल लिए? कविता, ये मेरे पति सुभाष और ये तरुण की बड़ी बहन है कविता। अच्छा लगा आपसे मिलकर, बैठिए। अरे ये चोट कैसे लगी? मुझे लगता है कि औरतों को घर में संभल के काम करना चाहिए। प्रभा, तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो। अब कविता जी को ही देख लो, कितनी सुंदर स्किन है इनकी। ठीक ही तो कह रहे हैं ये, गलती ना मेरी है। वो कढ़ाई में गरम तेल रखा हुआ था ना, तो कचौड़ियां तलने के बाद वो बस हाथ पे थोड़ा सा। आप कचौड़ियां खाइए ना। प्रभा, ये कैमरा क्यों नहीं चल रहा है? हाँ वो मैं आपको बताना ही भूल गई कि कैमरा ना काम नहीं कर रहा है। तुम करती क्या रहती हो दिन भर, ठीक क्यों नहीं करवाया इसको? आप दोनों बातचीत कीजिए, मैं देखती हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते सर। ऑफिस नहीं आए? अरे दीदी। अरे वाह दीदी, तो आखिरकार सुभाष सर और भाभी से मिलने का प्रोग्राम आपने बना ही लिया। तरुण, ऑफिस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो गायत्री मैम ने भेजा है, वो टीपी कंसल्टेंट्स की फाइल चाहिए, प्रेजेंटेशन बनानी है शायद। ठीक है, तुम यहीं रुको, मेरे साथ ही ऑफिस जाना। ओके। प्रभा, तरुण को कचौड़ी वगैरह खिलाओ, ठीक है? आओ ना, मैं कचौड़ी खाओ। ये लो, तुम कचौड़ी खाओ। अरे भाभी, ये कैसे हुआ? बाजार से कुछ दवाई चाहिए होगी तो बता दीजिए। अरे कुछ नहीं, ये तो वो मैं चाय छान रही थी ना, तो गरम गरम चाय गिर गई थी मेरे हाथ पे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ तरुण,
ये तुम्हारे सुभाष सर मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। क्यों? बड़ी गंदी नजर है उनकी, मेरी तरफ देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। हाँ मुझे पता है, वो क्या है ना कि महिलाओं को लेके उनकी नीयत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है। बेचारी बेचारी प्रभा भाग कितनी भोली है वो। चलो तरुण ये फाइल्स ले लो और तुम्हें रास्ते में मैं आज के मीटिंग के बारे में ब्रीफ करता हूँ। ओके ठीक है। चलो। और कविता जी आप यहाँ आसपास रहती है, आ जाया कीजिए। प्रभा इन्हें खाने पे बुलाओ। सर वी आर लेट, कैन वी गो? हाँ ठीक है चलो बाय। सुनिए ना, वो मैं कविता और मैंने मूवी का प्लान बनाया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? कविता जी साथ जा रही हैं तो जाओ। ये क्यों फोन कर रही है? आज तो संडे है। जान सुनो ना, क्या हुआ? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गुस्सा हो गया? कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पंडित जी ने कहा था राहुकाल चल रहा है, 4 दिन का निर्जल व्रत करना होगा और पूर्णिमा की रात को हवन। सुभाष के ऊपर कोई बुरा सा है। Come in. क्या हुआ? मैं तुमसे नाराज हूँ सुभाष। क्यों? क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। कल मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। Really? पता नहीं कैसे हो गया। I'm really sorry. क्या हुआ? हुक्म करो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? तुम मुझसे शादी करोगे? बस अपनी डार्लिंग के लिए कुछ भी। माय डार्लिंग गायत्री, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा।
Will you marry me? मैं करूंगी तुमसे शादी। सर ये जो फाइल है, नॉक करके नहीं आ सकते सर? वो मैं बाद में आता हूँ सर। सॉरी, हम कहाँ थे? शादी। शादी ना मुझे बहुत तामझाम वाली चाहिए, बहुत महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गहने, और हाँ हनीमून ना हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, पक्का ना? क्यों नहीं, देखो इन सब में ना काफी पैसे खर्च होंगे, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, पैसों का इंतजाम मैं यूं कर लूंगा, और प्रभा भी डिवोर्स के लिए इतनी जल्दी मानेगी नहीं ना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं ले, खुश। हाँ जी। अच्छा सुनो, मैंने तरुण को डिनर पे बुलाया आज रात, तुम एक काम करो, उसकी बहन को भी इनवाइट कर देना। लेकिन इतनी रात को इतने कम समय में मैं कैसे? हम एक घंटे में पहुंच रहे हैं, रखता हूँ। आओ तरुण। अरे देखो कविता जी भी यही है। अरे भाई से अपना ही घर समझिए, मुझे दो मिनट दो, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? प्रभा तब तक ड्रिंक रेडी करो, ठीक है? भाभी आपका नेकलेस तो बहुत सुंदर है। ये ना मेरी माँ ने हमारी शादी में मुझे गिफ्ट किया था। अरे वाह। अरे ये क्या शरबत पिला रही हो मेहमानों को, ड्रिंक कहाँ है? मैं सर 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 वो इसमें भाभी जी की कोई गलती नहीं है, आपको तो पता ही है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, और ना ही दीदी। कविता जी आप वाइन तो पी ही सकती हैं, मेरे साथ एक ड्रिंक तो बनता है, इसको रखिए और मेरे साथ एक ड्रिंक पीजिए। आइए मेरे साथ। अरे आइए कुछ। सुनिए ना, जब वो कह रही है कि वो नहीं पीती तो आप? मुझे चलना चाहिए, मेरे पति का कॉल आने वाला है। प्रभा मसाले वाली भुजिया लाना। नहीं पियोगे? कोई बात नहीं, शादी के बाद तो पीनी पड़ेगी। अरे प्रभा क्या हुआ उसका? चलो अब काम की बात पे आते हैं। मैंने सुना है कि तुम प्रॉपर्टी की भी डील करते हो। जी। ऑफिस के शर्मा जी को काफी अच्छी डील दिलाई तुम। मेरी एक जमीन है जिसको तुम्हें बेचनी है, ये के पेपर्स हैं। अरे प्रभा। जी लाई। सर मेरा एक सजेशन है कि आप इस जमीन को भी मत बेचिए, क्या है ना कि कुछ ही सालों में इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, सरकार फ्लाईओवर बनाने की प्लान कर रही है इसमें। तुम ना अपने काम से काम रखा करो, और ऑफिस की बात अगर घर में बताई तो अच्छा नहीं होगा, समझे? जी। प्रभा
देखो कौन है। हर बात बतानी पड़ती है। कौन था? कोई नहीं, वो शायद पड़ोस के बच्चे थे, घंटी बजा के भाग गए। ये कैमरा रिपेयर क्यों नहीं करवाया अब तक? वो मैं भूल गई। सर मैं रिपेयर करा दूंगा। करती क्या हो दिन भर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। ये मेरा कैबिन, आओ प्लीज आ जाओ आ जाओ। आज ऑफिस कैसे आना हुआ? तरुण एक क्लाइंट के ऑफिस गया हुआ है। हाँ, वो यहाँ आने के बाद ही पता चला। अच्छा, कोई नहीं, तरुण थोड़ी देर में आ जाएगा, हमें भी अपनी खातिरदारी करने का थोड़ा मौका दो। आओ बैठो, आराम से बैठ जाओ। तरुण से कुछ अर्जेंट काम था? हाँ, वो बैंक डॉक्यूमेंट्स पे तरुण की साइंस चाहिए थी। मेरी शादी के पहले ही हमारा जॉइंट अकाउंट था। आपका ऑफिस टाइम है, मैं चलती हूँ। अरे बैठो बैठो बैठो। कविता, कुछ भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकती हो, ठीक है? क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। बताओ मुझे क्या हुआ। वो एक्चुअली मेरे पति का कॉल आया था, वो पैसे की मांग कर रहे थे। तरुण ने कहा था आज इंतजाम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है? सुनो, पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं, मेरे साथ डिनर पे चलो, 5-star होटल लेके चलूंगा। उसके टॉप फ्लोर के कमरे से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की, समझता क्या हो अपने आपको? अपनी औकात में रह। मैं तेरे बहन की सारी पैसों की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। जमीन बिकेगी तो तुझे भी पैसा मिलेगा, सोच लो। सुनिए, मैं मार्केट जाके आऊँ। मेरे ऑफिस जाने से पहले आ जाना। हाँ, मैं वो आधे घंटे में आ जाऊँगी। वैसे ना मेरे पास घर की चाबी भी है, तो आप ऑफिस निकल जाइएगा। सर, वो सीसीटीवी रिपेयर करने की कंप्लेंट की थी, वो चेक करने आया हूँ। करो, कैमरा बंद है शायद। कैसे फॉल्टी इक्विपमेंट्स बेचते हो? सर कैमरा ठीक है, डिस्प्ले चेक करना पड़े। सर कैमरा ठीक है, डिस्प्ले खराब हुआ है, रिप्लेस हो जाएगा, वारंटी में है। ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। जल्दी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक हो जाएगा सर। थैंक यू सर। ओके। अरे यार, पता नहीं ये प्रभा कहाँ रह गई। ये औरत कभी वक्त पे काम नहीं करती।
सिर्फ एक सोने का हार गायत्री के प्यार को नहीं खरीद सकता, कम से कम एक डायमंड ज्वेलरी और एक डिजाइनर लहंगा तो चाहिए। सर ये डॉक्यूमेंट्स। अरे तुम बड़े बदतमीज हो, बिना नॉक किए कैबिन में घुसे चले आ रहे हो। देखिए सर, मुझे कोई शौक नहीं आपके कैबिन में आने का। जमीन की डील हो गई है या डॉक्यूमेंट्स? और पैसे? वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, फाइल वहां पे रखो और जाओ। और सुनो, बुलाने पर ही आना। और हाँ, प्रभा के सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, फायदे में रहोगे, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। पता है ना कल मैंने क्या कहा था? जी। क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना? तरुण, गुड़िया की बहुत याद आ रही है, और तुम्हारे जीजू ने कहा कि जब तक पैसों का बंदोबस्त ना हो तो घर मत आना। गुड़िया से बात भी नहीं करा रहे, फोन काटे जा रहे हैं बार बार, मैं क्या करूं? दीदी तुम चिंता मत करो, एक काम करो, ये पैसे रखो और घर जाने की तैयारी करो। टिकट का इंतजाम मैं कल तक कर देता हूँ और सारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ओके तरुण, इतने पैसे? वो सुभाष सर के जमीन की डील कराई थी मैंने, टोकन अमाउंट है। सुभाष जी के पैसे? ऐसी हरकत मत करो दीदी, पर पैसों की जरूरत अभी आपको है, ठीक है? आप रखो इसे। तुम परेशानी में तो नहीं फंसोगे? दीदी तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, आप बस घर जाइए, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, ठीक है? तरुण, क्या तुम मेरा एक काम करोगे प्लीज? वो सुभाष घर देर से आते हैं ना, तो क्या तुम ऑफिस से आते वक्त पूजा के लिए हार और फूल ला दोगे प्लीज? हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ
अरे भाभी जी का कॉल आया था या मैं सपना देख रहा था? काश कि ये सपना नहीं हकीकत होती। भाभी जी मेरी होती, पलकों पे बिठा कर रखता हूँ, बहुत प्यार करता, बहुत बहुत ज्यादा। यार ये ऑफिस वाले देना। हेलो, मैंने जो सोचा है और तय किया है ना, उसके आगे तुम्हारा ये पूजा पाठ काम नहीं आएगा। पर मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, मैं हम दोनों के लिए व्रत कर रही हूँ। ये रहे डिवोर्स के पेपर्स। अब इन पे साइन करो और निकल जाओ मेरे घर से। ये आप क्या कह रहे हैं? डिवोर्स? शादी तोड़ने के लिए कह रहे हैं हमारी? करुण, भाभी, वो भाभी मुझे आपसे एक बात कहनी। वो हाईवे के पास वाली जमीन का सौदा सर ने मेरे से करवाया, डील भी हो चुकी है। मैं कल ही उनके ऑफिस गया था उन्हें पैसे दे। वो जमीन तो मेरे पापा ने हमारी शादी में इनको दी थी। क्या? हमारी पुश्तैनी जमीन बेच दी। ये नेकलेस तो मेरा है, ये गायत्री के पास क्या कर रहा है? सर ने आपका नेकलेस गायत्री को गिफ्ट कर दिया है और शादी भी करने वाले, आप यहाँ उनके लिए निर्जल उपवास रख रही हैं और वो वहाँ। तुम प्लीज जाओ, मुझे कुछ काम निपटाने। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच, पर अभी प्लीज। भाभी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा प्लीज। प्रभा, प्रभा, पानी लाना। प्रभा, प्रभा, बाहर आओ जल्दी। क्या है ये? तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किए? ताकि आप उस गायत्री को घर ले आएं। ए, मैं साइन नहीं करूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत? मेरे पापा की दी हुई जमीन बेच दी, मेरा हार उस औरत को दे दिया, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ये सब उस तरुण ने तुम्हें बताया ना, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। मुझे इस डिवोर्स पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, समझ में आई? सुभाष कल रात से घर नहीं आए, तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जी नहीं, कल तो वो ऑफिस नहीं आए। इनफैक्ट मैं भी उन्हें फोन लगा रही पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, और अब तो उनका फोन स्विच ऑफ भी आ रहा है। वैसे मैं भी उनको भेजने वाली थी आपके घर। पर आप तो उनकी बीवी है ना, आपको नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं?
गायत्री तुम्हें पता है वो कहाँ गए होंगे? अगर तुम्हारी इनसे बात हो तो प्लीज मेरी बात करा देना। हाँ, अगर वो शाम तक घर नहीं आए ना तो मैं पुलिस में उनकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने वाली हूँ। जी सुभाष कहाँ चले गए? ऐसे मुझे बिना बताए तो वो कभी नहीं जाते, कहाँ गए होंगे? क्या आप ही मिसेस प्रभा शर्मा हैं? जी हाँ, मैं ही प्रभा शर्मा हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए ना। तेरे पति के बारे में कुछ पता चला? सुभाष 2 दिन से घर नहीं आने। बताइए ना प्लीज, कुछ बोलते क्यों नहीं है? कहीं उन्हें कुछ? देखिए एक बुरी खबर है, हमें आपके पति की लाश मिली है। मैडम मेरी बात को गौर से सुनिए, आपके पति का मर्डर हुआ है। बाकी अभी मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? आप बाहर जाके तलाशी लो, आप इधर जाइए। यहाँ आने से पहले हमने सुभाष जी के बारे में पूछताछ की थी, पता चला है वो महिलाओं के मामले में काफ़ी तेज है। किसी महिला के साथ उनका चक्कर चल रहा था, पड़ोसियों का कहना है कि आप दोनों के रोज झगड़े होते थे, क्या ये सच है? ये सब झूठ है, सुभाष मुझसे बहुत प्यार करते थे, बिना पूजा किए तो एक निवाला नहीं तोड़ते थे, निर्जल व्रत करते थे मेरे साथ। सुभाष जी का कोई दुश्मन, किसी ने उनको धमकी दी हो या कुछ भी हो तो बताइएगा। आपकी तारीफ? सर मैं तरुण, मैं सुभाष सर के ऑफिस में ही काम करता हूँ। सर मैं गायत्री, सुभाष सर की कली। वो एक्चुअली वो कल ऑफिस नहीं आए तो बॉस ने कहा कि मैं घर जाकर देखूं, और तरुण भी फोन नहीं उठा रहा था। कितने दिन से सुभाष ऑफिस नहीं आए? सर 2 दिन से। पेपर मिला है जला हुआ। सर ये बाहर गमले के पास में पड़ा था। अगर आप पति पत्नी के बीच कुछ नहीं चल रहा था तो ये डिवोर्स पेपर क्या कर रहे हैं? पता नहीं वो हवलदार वो सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ। सर सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। सुभाष सर ने बताया था मुझे कि वो काम नहीं कर रहा है। आपकी तारीफ? सर इनका सीसीटीवी का डिस्प्ले बॉक्स खराब हो गया था, वो रिप्लेस करने आया था। सुभाष जी से बात हुई थी मेरी कुछ दिन पहले। इसका मतलब कैमरा चल रहा है। हवलदार फुटेज निकालो। यस सर। फुटेज में किसकी लाश लेके जा रहा है? सच सच बताना, नहीं तो आज जितने भी लोग हैं ना मैं सबको अंदर करता हूँ। इसका मतलब है कि सर को मार डाला? बकवास बंद कर अपनी। सुभाष को अपने जाल में फंसाया, मेरी शादी तोड़ दी। वो मुझे डिवोर्स देना चाहते थे, ये कैसे होने देती? आपके कहने का मतलब क्या है? प्लान मेरा था, मैं तरुण को सुपारी दी थी सुभाष को मारने की। अब ये मत कहना कि बातों में फिसल गई और चोट लग गई, से आराम हो जाएगा। अब मैं पेन किलर लेके आता हूँ। ओके तरुण, जरूरी बात करनी है। बोलो। मैंने बहुत सोचा,
तलाक तो मैं देने से रही, और सुभाष को किसी और का होने भी नहीं दूंगी मैं। तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ। मुझे पता है कि कविता के ससुराल में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम्हें पैसों की जरूरत भी है। तरुण, तुम एक जिम्मेदार भाई हो और एक बहुत अच्छे इंसान हो, और तुमने हमेशा मेरा ख्याल भी रखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। ये एडवांस है बाकी का काम होने के बाद। मैं तुम्हें सुभाष की सुपारी दे रही हूँ, अगर वो मेरा नहीं हो सकता ना तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। आपने सीसीटीवी ठीक करवाया? नहीं। ओके, और एक बात, कल सुबह ऑफिस कॉल कीजिए और कहिए कि सुभाष कल रात से वापस नहीं आए हैं। फिर शाम को पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराइए, समझे? ओके। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने मतलब के लिए तुम्हें फंसा दिया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। प्रभा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं और वो मैंने किया। सुभाष जैसे घटिया और लीचड़ आदमी के साथ यही होना चाहिए था। मैंने तुम्हें इससे छुटकारा दिला दिया है प्रभा। तरुण बेकसूर है, उसने जो कुछ भी किया मजबूरी में आकर किया। इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताइए, कोई भी पत्नी ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसका पति किसी और औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाता है और उनसे शादी करने का वादा करता है। प्रभा, तुम चुप, सब चुप। असल जिंदगी है ये, यहाँ के कुछ कायदे कुछ कानून होते हैं। तुम्हारे पति ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, मानता हूँ, लेकिन तुमने जो उसके साथ किया, उसकी जान ली, वो कानूनन जुर्म था। तुम्हारे पास और भी रास्ते थे, तुम पुलिस का सहारा ले सकती थी, अदालत का सहारा ले सकती थी, अपने परिवार का सहारा ले सकती थी, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में लेके बहुत गलत किया है प्रभा, बहुत गलत किया है। हवलदार लेके चलो इन्हें, चलो।